प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। ऑनलाइन क्लास में तुहाडा निघा स्वागत है। अज आपां तुहाडी पंजाबी पुस्तक का पाठ नंबर 2 गत्का उसके बारे पढ़ांगे। गत्का पाठ पढ़ तो बाद इस दे अभ्यास विच दित्ते गए प्रश्नों के उत्तर भी करांगे। आओ शुरू करते हाँ पाठ नंबर 2 गत्का। गत्का पंजाबियों का एक जंगी हुनर है। ये राही विरोधी उत्ते वार करन अते रोकन का अभ्यास हुंदा है। छेवें गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय तो लैके महाराजा रणजीत सिंह के समय तक सैनिकों लई गत्का सीखना जरूरी सी। जिवें जापान की खेड कराटे सुरक्षा वाली खेड गिनी जाती है, उवें पंजाबियों का गत्का भी बचाव वाली खेड है। गत्का गदा युद्ध की सिक्ख्या का पहला पड़ा है। अजकल स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में गत्का खेड की सिखलाई दी जाती है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों करवाए जाते विद्यक मुकाबलों अधीन गत्का खेड के मुंडे और कुड़ियों के अलग अलग मुकाबले करवाए जाते हैं। जिसने गदा युद्ध का माहिर बना है वह पहला गत्का खेडना सीखे। गत्के की सिखलाई डंडे सोटियों तो शुरू होकर तलवारा चलाने तक है। ओलंपिक खेडों में खेडी जाती खेड फैसिंग गत्के का ही सुधरिया रूप है। गत्के मुढ़ले तौर उत्ते 3.5 हाथ लम्मा डंडा तो छोटी ढाल वरतों में लियाई जाती है। डंडे उत्ते चम का खोल चढ़िया हुंदा है। सज्जे हाथ में गत्का तो खब्बे हाथ में फरी छोटी ढाल लेके दो जने आपो विच खेडदे हन। फारसी का खुतका शब्द पंजाबियों के मूँह चढ़ के गत्का बनया है। कुश्ती वांग इस खेड विच उस्तादी शगिरदी चलती है। गत्का उस्तादां दे अपने अखाड़े हुंदे हन। मापे अपने बच्चों नूं गत्का सिखाउण लई उस्तादां कोल भेजदे हन। उस्ताद कुछ रस्मां पूरियां करके बच्चों नूं भजंगी बनाउंदे हन। भजंगियों नूं सिक्ख्या दित्ती जांदी है कि उन्हां ने चाल चलन नेक रखना है। बच्चे बजुर्ग औरत ते नेताने उत्ते वार नहीं करना, सगों उन्हां दी ढाल बनना है। सादी ते शुद्ध खुराक खानी है, कोई नशा नहीं करना। खेड सिखलाई दे अमली दौर विच पहलां जुस्से गरमाए जांदे हन। इहदे लई डंड बैठकां ते अखाड़े दुआले दौड़ां लाउण दा अभ्यास हुंदा है। फिर हथियारां नूं नमस्कार करके हथियार हथ विच फड़न, पैंतड़ा लैण, वार करन ते रोकण दे दाव पेच सिखाए जांदे हन। मुकाबले इकल्ले इकल्ले दे वी हुंदे हन ते टोलियां विचकार वी हुंदे हन। पहला पहल आनंदपुर साहिब ते पौंटा साहिब गत्के दे वड्डे केंद्र सन। होले महल्ले समय गत्के दी वड्डी पद्धर ते मुकाबले हुंदे सन। बीते समय विच इस खेड दा इक फायदा यह सी कि चंगी खेड विखाउण वाले जवानों नूं सिद्धा ही फौज विच भर्ती कर लिया जांदा सी। जरनैल हरी सिंह नलूआ इंज ही महाराजा रणजीत सिंह दी नज़री चढ़िया सी। अज कल कुछ स्कूलों कॉलेजों ते यूनिवर्सिटियों विच गत्का खेडण दी सिखलाई दित्ती जांदी है। यह हुनर पहला मर्दा तक ही सीमित सी, हुण औरतां भी इस विच भाग लैण लग पईआं। निहंग सिंघां दी हरमन प्यारी खेड है। यह खेड हुण नगरां कीर्तनां ते खास खेड समागमां विच भी खेडी जांदी है। कदे कदे कोई गत्का बाज किसी पेंडू खेड मेले विच अपनी खेड दा इह जौहर विखा दिंदा है ते दर्शक विसर रही खेड दा आनंद माण लैंदे हन। अंत विच इस खेड का पिछोकड़ जानना जरूरी है। साढ़े देश विच पंजाब की भूगोलिक स्थिति खास सी, बल राही आउंदे हमलावर इत्थों लंघते रहे हैं। इस कारण आत्म सुरक्षा हरेक की लोड़ बन गई। विरोधी का मुकाबला करने लई सारे नूं तैयार रहना पैंदा सी। गत्के की खेड इस लोड़ विचों ही पैदा हुई है। सो यह सी गत्का पाठ। आओ हुण इस दी अभ्यास दे प्रश्न करिए। प्रश्न नंबर 1, गत्का किस किस्म दा हुनर है? गत्के राही किस दा अभ्यास कीता जांदा है? उत्तर, गत्का एक जंगी हुनर है। इस राही विरोधी उत्ते वार करन ते उसका वार रोकन का अभ्यास किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, गत्का खेडन समय केड़े केड़े हथियार वरतों में लियाए जाते हैं? उत्तर, गत्का खेडन समय 3.5 हाथ लम्मा एक डंडा ते छोटी ढाल वरतों में लिया जाती है। डंडे उत्ते चम का खोल चढ़िया हुंदा है। सज्जे हाथ में गत्का ते खब्बे हाथ में छोटी ढाल नूं फड़ के विरोधी धिर नाल गत्का खेडिया जाता है। प्रश्न नंबर 3, गत्के का उस्ताद गत्का सिखाउण तो पहला सिखियार्थियों नूं की सिक्ख्या दिंदा है? गत्का सिखाउण तो पहला उस्ताद सिखियार्थियों नूं अपनी चाल चलन नेक रखने की सिक्ख्या दिंदा है ते कहिंदा है कि बच्चे बजुर्ग औरत ते न्याणी उत्ते वार नहीं करना, सगों उन्हां दी ढाल बनना है ते ओह उन्हां नूं सादी ते शुद्ध खुराक खाण ते नशियां तों बचण की सिक्ख्या भी दिंदा है। प्रश्न नंबर 4, पुराने समय विच गत्का खेडण वाले नूं की फायदा हुंदा सी? उत्तर, पुराने समय में चंगा गत्का खेडण वाले नौजवानों नूं सीधा ही फौज में भर्ती कर लिया जाता सी। जरनैल हरी सिंह नलूआ इंज ही महाराजा रणजीत सिंह की नज़री चढ़िया सी। प्रश्न नंबर 5, गत्के की खेड के मुख खेत्र किहड़े रहे हैं? आनंदपुर साहिब ते पौंटा साहिब गत्के की खेड के मुख केंद्र रहे हैं।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਂਝ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਉੱਤਰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਹੇਠਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਖਾੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਗਦਾ ਜੁੱਤ ਔਰਤਾਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਪਜੰਗੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਹੈ ਊੜਾ ਗੱਤਕਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਗਦਾ ਜੁੱਤ ਗੱਤਕਾ ਗਦਾ ਜੁੱਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਆੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਈੜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਖਾੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੱਸਾ ਉਸਤਾਦ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਭੁਜੰਗੀ ਉਸਤਾਦ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਹਾ ਹੁਣ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪੱਕਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਤਕਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ